देखिए आज जो पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात मैं कहूंगा, उत्तर प्रदेश आज बहुत ही विकट परिस्थितियों में गुजर रहा है। आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक रोज अपनी मांग करने के लिए कभी अनुप्रिया पटेल के घर को घेरते हैं, कभी केशव मौर्य को घर को घेरते हैं, तो कल उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का घर घेरा, पर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया है कि इनका समायोजन किया जाए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। नौकरी दे नहीं पा रही है सरकार और केवल झूठे वादे कर रही है। अभी भेड़िया का आतंक है, बहराइच में मैं गया था कल दिन भर वहीं था, घर घर गया, कोई सुविधाएं नहीं मिली है लोगों को, कोई भी लोगों की मदद नहीं हो रही है। यहाँ तक एक रीता देवी जिसकी भेड़िया ने जिसको मार डाला, उसको भी तक कुछ भी सहयोग नहीं मिला है। लोगों के घरों में दरवाजे तक नहीं लगे हैं और सरकार कहती है कि हम इतने पक्के घर बनवा दिए करोड़ों और हमने शौचालय बना दिया, लोगों के घर नहीं बने हैं, दरवाजे नहीं है, और भेड़िया दिन में रात को आकर उठा ले जा रहा है। निश्चित तौर से ये सरकार विफल है और सरकार को पूरी तरीके से जनता का ध्यान नहीं दे पा रही है। सरकार को निश्चित तौर से इस पे काम करना चाहिए और अपने कार्य को आगे जनता के बीच में लेके जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।